नमाज ही मकसद है जिंदगी है, इसलिए पूरी कायनात नमाज पढ़ती है। दरख्तों को अल्लाह ने नमाज में से क्याम का रुकन दे दिया, दरख्त सारे क्याम में खड़े, गाय भैंस बकरियां रुकू में हैं, सांप बिच्छू केकड़े ये सजदे में हैं, ये पहाड़ जितने पहाड़ को हिमालय के पहाड़ केटू की चोटियां आप देखते हैं, ये इस तरह बैठे हैं कि जैसे सब बनी हुई। ये तस्बीह सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल आला मलाइका के अंदर तकसीम कर दी। मलाइका हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीहात करते हैं। नमाज में दुआ होती है, दुआ का रुकन अल्लाह तबारक व तआला जन्नत और दोजख में तकसीम कर देता है। और फिर नमाज में गर्दिश होती, गर्दिश का मतलब पहली रकात में आप खड़े हैं, फिर पहली रकात पूरी करके फिर आप उसी तरफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये जो गर्दिश है, ये गर्दिश का पूरा रुकन जो है अल्लाह तबारक व तआला ने आलमे फलकियात में तकसीम कर दिया। चांद सूर्य सितारे अपने मदार में गर्दिश करते हैं, एक नुक्ते मंजिल से चलते हैं, चल के फिर दोबारा उसी मंजिल पे आते हैं। देखो सारी नमाज पूरी कायनात में तकसीम कर दी, और ये सारी कायनात की नमाज इस आलमे असगर जिसको इंसान कहते हैं अकेले आलमे असगर को अता कर दी है। लिहाजा पूरी कायनात की तखलीक का मकसद सिर्फ एक ही है और वो नमाज, और जिसको नमाज का सलीका आ गया उसने खुदा को पा लिया।